हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन। में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। मीन्स टू से कि भी कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन को प्रोजेक्ट किया जाता है, और ये मेथड्स किस तरीके से अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था, लर्निंग के बारे में डिस्कशन किया था, और भी कई टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट इन एनी टॉपिक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, देन यू कैन अगेन डिस्कस। ठीक है, सिंपली यू हैव टू कन्वे मी, सो आई विल मेक अ न्यू लेक्चर ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, सो लेट्स कवर, कम टू टुडेज टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को डिफरेंशिएट भी किया है, तो वो भी हमारा कवर हो चुका है। आज के सेशन में हम कवर करेंगे मेथड्स, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस के पर्पस के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वन है वेब बेस्ड कम्युनिकेशन। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं वेब बेस्ड कम्युनिकेशन की। ये फर्स्ट मेथड है कम्युनिकेशन का अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो। जैसे कि हमें पता है आज का टाइम टोटली डिजिटलाइज है। ठीक है, तो ओवर द इंटरनेट विद द यूज ऑफ द एप्रोप्रिएट वेबसाइट्स यू कैन अवेल द इंफॉर्मेशन। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वेबसाइट के थ्रू अवेल कर सकते हो या फिर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो वेब बेस्ड कम्युनिकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर मैं इसको एज अ मास कम्युनिकेशन की तरह ट्रीट करूँ। ठीक है, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे ऐसे विजिटर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर जाके सर्च करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। कंपनी क्या है, कंपनी किस तरीके की कंपनी है, कंपनी किस तरीके का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्म है कम्युनिकेशन का, जो कि है वेब बेस्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकेंड वन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परमिट पीपल इन डिफरेंट लोकेशंस टू होल्ड इंटरेक्टिव मीटिंग, वेदर यू आर इन द इंडिया और यू आर अदर कंट्री, यू कैन मेक अ मीटिंग ऑनलाइन, कंडक्ट अ मीटिंग एंड कंप्लीट योर कम्युनिकेशन पर्पस। आपकी लोकेशन चाहे कहीं पे, कहीं पे भी है, आप चाहे अपने होम टाउन में हैं या फिर आप बिजनेस पर्पस से कहीं किसी अदर कंट्री में हैं, you can make a interactive meeting with the help of global network that is known as video conference, where your audio and video both visual or audible to the other members, and easily you can share the information and receive the information and complete your communication purpose or objective. Okay, so video conferencing is also very important method in the current scenario and allow people in different locations to hold their interactive meetings. जैसे कि आज के टाइम में क्या है, अभी करंट जो टाइम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है। ठीक है, और उससे पहले और ज़्यादा क्रिटिकल टाइम था, जहाँ हम एक दूसरे से बात, मतलब कि एक डिस्टेंस हमें मेंटेन करना था, या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ हम जा नहीं सकते थे। ठीक है, जो भी हमारा टाइम चल रहा था COVID-19 का, तो उस टाइम में हम इजिली हमने घर में बैठ के अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग्स को कंडक्ट किया, और जो भी हमारे कम्युनिकेशन के पर्पस थे, ऑब्जेक्टिव थे, उनको हमने फुलफिल किया। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट मेथड है, जैसे कि वेब बेस्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके बाद थर्ड वन है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट इन डॉक्यूमेंटिंग इन द एक्टिविटीज ऑफ एनी डिपार्टमेंट। ठीक है, रिपोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन। विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स इजिली यू कैन कम्युनिकेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू यूर टारगेट पर्सन। रिपोर्ट्स भी क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि डे टू डे रिपोर्ट्स होती है, मंथली रिपोर्ट होती है, वीकली रिपोर्ट होती है, क्वार्टरली रिपोर्ट होती है, तो रिपोर्ट भी क्या है, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और एक तरीके से डॉक्यूमेंटिंग का में यूज किया जाता है। विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यू कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यू कैन अगेन यूज। ठीक है, सो रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एनी डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको रिटर्न वे में रिकॉर्ड करके रखना ही रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, या फिर जैसे कि क्या है, जो वर्कर्स हैं
वो अपने जो भी उसका जो मैनेजर है सुपरवाइजर है उनको डे टू डे रिपोर्ट करते हैं कि भाई उनने आज कितना टारगेट कंप्लीट किया, कितना काम किया, कितने गुड प्रोड्यूस करें, इस तरीके से। तो रिपोर्ट भी क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट वन क्या है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनी अकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजली इन्वॉल्विंग ऑडियो विजुअल मटेरियल एंड कॉपीज ऑफ रिपोर्ट्स और मटेरियल प्रिपेयर्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, तो जो भी मटेरियल है उसको आपने क्या करा, पावर पॉइंट पे प्रिपेयर करा, आपने स्लाइड्स बनाई, आपने पीपीटीज बनाई, और पीपीटीज बनाने के बाद आप एक प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो और वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आप अपने अपने कस्टमर तक शेयर कर रहे हो, उन तक पहुँचा रहे हो। तो प्रेजेंटेशन भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मोड है कम्युनिकेशन का। ये आप फिजिकली कर सकते हो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक स्लाइड यूज़ करी और वहाँ पे आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, और साथ के साथ ये प्रेजेंटेशन आप ऑनलाइन भी डिलीवर कर सकते हो। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है आज के टाइम में, करंट सिनेरियो में। इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन इज वेरी पॉपुलर। ठीक है, इफ देयर इज अ न्यू प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन एंड यू विल अंडरस्टैंड यूर मेंबर्स, ताकि वो उसी के हिसाब से काम करें। तो सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करोगे और अपने जो प्रोजेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करोगे और जो भी मेंबर्स हैं उनको फैमिलियर बनाओगे, ताकि वो भी अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है टेलीफोन मीटिंग्स। टेलीफोन मीटिंग्स विच अलाउ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, टेलीफोन मीटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंस्टेंटली यू कैन सेंड दैट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू अदर वन विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। ठीक है, तो टेलीफोन भी क्या है, इंपॉर्टेंट मेथड होता है कम्युनिकेशन का। टेलीफोन के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर सकते हो टारगेट पर्सन को, जो भी टारगेट पर्सन है, और इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन है फोरम बोर्ड्स विच अलाउ पीपल टू इंस्टेंटली पोस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, फोरम बोर्ड होता है जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है और इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली इफेक्टिवली डिलीवर करता है। ठीक है, फॉर द डिफरेंट लोकेशन, सेंट्रलाइज लोकेशन। नेक्स्ट वन है फेस टू फेस मीटिंग। फेस टू फेस मीटिंग मे बी पर्सनल और मे बी फॉलोअर। फेस टू फेस मीटिंग भी क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इन विच टू पर्सन कम्युनिकेट टू ईच अदर। ठीक है, एंड फेशियल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन गोइंग ऑन। ठीक है, दोनों लोग क्या है, फिजिकली प्रेजेंट है और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन किसी स्पेशल पर्पस के लिए कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, या फिर कोई फॉलो अप है, जैसे सडन ऑडिट इज अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर द ऑडिटर विजिट वो आपको फॉलो अप राउंड होता है। फॉलो अप में वो आपको बताता है कि भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या क्वेरीज हैं, और उसके हिसाब से किस तरीके से आपको अगेन उन पर काम करना है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेस टू फेस मीटिंग। एंड फेस टू फेस मीटिंग इज ऑल्सो वेरी पर्पजफुल और द इम्पॉर्टेंट, बिकॉज फेस टू फेस मीटिंग में कम्युनिकेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और अगर एक वैल्यू और इम्प्रेशन वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, सजेशन बॉक्स। सजेशन बॉक्स जनरली यूज फॉर द अपवर्ड कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज देर इज अ प्रॉपर चेन ऑफ कमांड फॉर द कम्युनिकेशन, सो इजिली वर्कर्स कैन नॉट कम्युनिकेट विद देयर मैनेजमेंट डायरेक्टली। सजेशन बॉक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन विच सर्कुलेट द वर्कर्स इन्फॉर्मेशन एंड क्वेरी डायरेक्टली टू देयर मैनेजमेंट। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट मैथड है कम्युनिकेशन का, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, चेन ऑफ कमांड, फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन यूज होती है, जहाँ वर्कर्स इजीली अपने मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक मैनेजमेंट कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सजेशन बॉक्स के थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन, आप अपनी क्वेरी, आपके डाउट्स, या फिर आपकी जो भी कंप्लेंट है, इजीली आप अपने मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए इसको प्राइमरली फॉर अपवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट भी होती है, एक सोशल ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी होती है, कि भी अगर कोई भी फैक्ट्री चल रही है और उसमें 152 अदर अबव वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक सजेशन बॉक्स भी रिक्वायर्ड है। सजेशन बॉक्स होना चाहिए, सजेशन बॉक्स को लॉक्ड होना चाहिए, और उसको अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखना है जो कि हमेशा विजिबल रहे।
ठीक है, और उसका एक लिमिटेड एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद उसको ओपन करना है और उनमें जो भी क्वेरीज हैं वो मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है लेटर्स। लेटर्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस पर्सन, ठीक है। वेरियस लेटर्स कम्युनिकेट द वेरियस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्पस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेटर्स यूज होते हैं, नोटिस है, वार्निंग है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लेटर्स एंड इन विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन सर्कुलेट द डिफरेंट इंफॉर्मेशन। तो लेटर्स के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन करते हो, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन है मेमोज। मेमोज इज द फॉर्म ऑफ लेटर्स जो मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। लेटर्स और मेमोज के थ्रू इसकी फुल फॉर्म मेमोरेंडम होता है, ठीक है। इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हो, किसी को नोटिस दे सकते हो, किसी को वार्निंग दे सकते हो, या फिर जॉब लेटर्स होते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में ऑफर लेटर काम करता है। ऑफर लेटर्स के थ्रू आप अपने वर्कर जो भी आपके एप्लीकेंट्स हैं या फिर जो भी आपके इन्वाइटेड हैं या फिर कोई मीटिंग कंडक्ट हो रही है तो आपने एक लेटर सर्कुलेट किया और उस लेटर के थ्रू आपने मीटिंग का टाइम, मीटिंग का वेन्यू, ठीक है, पर्पस, क्या एजेंडा है मीटिंग का, वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप अपने जो भी आपके मेंबर्स हैं जो कि आपकी मीटिंग का पार्ट बनने वाले हैं उनको प्रोवाइड की, ठीक है। तो डिफरेंट लेटर्स को यूज़ करके भी हम डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेशन को प्रोसीड करते हैं जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यही था जिसमें हमने मेथड्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन किया। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में मेथड्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन डाउट हो तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।